हेलो दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं आज बिरसा मुंडा पार्क, रांची का जेल पार्क, जो कि बहुत ही अच्छा है, इस बार बनाया है। चलो दिखाते हैं आपको इसका व्यू और कैसा है यहाँ का सीन और सब कुछ। ये है मेन गेट दोस्तों, यहीं से इंटर करना होता है हमें, यहीं से जाते हैं, कोई टिकट नहीं लगता है दोस्तों। यहाँ पर ही बैठे होते हैं गार्ड वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम आना है और अंदर चले जाना है। बहुत सारे हाथी है, लकड़ी का बना हुआ है, देखिए पुतला है अंदर, इससे भी अच्छा अच्छा है बहुत सारा। चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर का पूरा नज़ारा। अंदर जाने के बाद देखिए यहाँ से पूरा सीधा साफ दिखता है दोस्तों। लेफ्ट साइड में जो आपको और रेड रेड दिख रहा है, ये है जेल, यहीं पहले कैदी लोग रहता था। और राइट साइड में पूरा पार्क बनाया गया है, अभी अंदर जाके आपको पूरा दिखाते हैं। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं व्यू पूरा। इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें। देखिए दोस्तों, ये है बहुत सारा ये पेड़ पौधा लगाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसे बनाया गया है दोस्तों। ये जो आप घास देख रहे हैं नीचे, जो स्टेडियम में होता है बारीक वाला घास, वही है दोस्तों। पूरा व्यू इस तरह का है, अंदर ही बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर बनाया है ये, देखिए बहुत ही सुंदर है। अगर आप ही रांची से हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, या झारखंड से हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, हर तरह का फूल लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ फूलों का बगान भी इसे कह सकते हैं, हर तरह का बहुत ही तरह तरह के फूल है, गुलाब है, चमेली दोस्तों। यहाँ बहुत ही तरह तरह के झूला है, जैसे राउंड राउंड वाला झूला, या फिर छोटा बच्चा हो गया, या फिर कोई भी, यहाँ 2 साल से लेके 10 साल के बच्चों, सभी तरह के बच्चों के लिए है दोस्तों यहाँ झूला, हर तरह का झूला है। आके यहाँ बच्चे बहुत ही मस्ती करते हैं, देखिए बच्चे लोग कितने मस्ती कर रहे हैं यहाँ। इसी तरह तरह के बहुत सारे झूले हैं, मैं सबको एक्सप्लोर नहीं कर पाया दोस्तों, बहुत जल्दी में था इसलिए। अब हम लोग जाते हैं इधर जेल की तरफ, और जेल जो पुराना जेल था वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा, ये पिंक कलर का, यही जेल था दोस्तों, भी आपको जाके दिखाते हैं। ये है हमारे बिरसा मुंडा का पुतला, भगवान बिरसा मुंडा जिसके नाम से जाना जाता है, उन्हीं का पुतला है ये, उन्हीं के नाम से इस पार्क का नामकरण कर दिया गया है दोस्तों। ये बिरसा मुंडा संग्रहालय है, मतलब किसी जेल कहते हैं, इसी के अंदर पूरा कैद लोग रहता था। चलिए अंदर जाके आपको दिखाते हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं और ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ कैदी लोग रहता था, लॉकअप जिसे कहते हैं, लॉकअप, वहाँ लॉकअप में कैदी लोग रहता था। यहाँ देखिए पूरा कैदी लोग रहता था इसी में, ये लॉकअप है और अंदर पूरा कमरा बड़ा बड़ा, बहुत ही लंबे चौड़े स्थान पे ये पार्क है दोस्तों, बहुत ही सुंदर इसे बनाया गया है। और हर तरफ गार्ड है ताकि कोई आदमी भी घास में या फूल पौधों को छुए ना, और कुछ भी चीज़ को ख़राब ना करे, सिर्फ घूमना है और किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। बहुत ही अच्छे से बनाया है इसे ताकि कोई ख़राब ना करे। चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ पुराने ज़माने का घर, जैसे कि खपड़ा वाला घर और आदमी लोग कैसे रहता था, उस टाइप का भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कुछ पुराने ज़माने का घर है ये सब, उसकी का डिज़ाइन बनाया गया है सिर्फ। युवा छात्रावास इस टाइप का था, देखिए एक आदमी है जो मटका बेचने जा रहा है, घड़ा जिसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे खड़े हैं। ये जो बिल्डिंग है, ये बहुत, यहीं कैदी लोग रहता था, जो एक साथ बहुत सारा कैदी जो होता है ना, वो यहीं रहता था। बहुत ही ऊंचा लंबा रूम है ये, यहाँ की आवाज गूंजता है। तेलंगाना खड़िया,
उसका चित्र बनाया गया है दोस्तों, सीमेंट से पूरा बनाया गया है इसे। देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, पूरा लगता है कि ओरिजिनल है। इसके बारे में पूरा अलग से लिखा हुआ भी है, भागीरथ मांझी, इसके बारे में भी पूरा डिटेल लिखा हुआ है और उनका फोटो भी बनाया गया है। देखिए वीर बुद्धू भगत, बुद्धू भगत उनका, देखिए उनका भी एक पिक्चर के जैसा बनाया गया है। ये पूरा प्लेन है, फोटो हो इसका तो मुझे मतलब नहीं पता दोस्तों क्या है, लेकिन देखिए ये भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। गंगा नारायण सिंह, इसका भी बनाया गया है। इनका पुतला भी है पूरा घोड़े के साथ में। ये देखिए पूरा हर रूम के बगल में पूरा थोड़ा थोड़ा घास दिया गया है ताकि अच्छा से साफ सुथरा दिखे। सिंधु भगत, इनका भी फोटो बनाया गया है, पूरा फोटो की तरह है पर ये एक पुतला है, पूरा प्लेन सा सीमेंट से बनाएंगे। नीलांबर और पीताम्बर, उनका के बारे में बताया गया है। प्राचीन इतिहास, दिवा किशोर, कैसे वो लोग काम करते थे और सब क्या क्या करते थे वो दिखाया गया है। गया मुंडा, जतरा टाना भगत, इनके बारे में भी है। यहाँ आप जब भी आइएगा दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा, आप फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, बच्चों के लिए भी खेलने का पार्क है और पूरा फैमिली अच्छे से एंजॉय कर सकता है। ये देखिए कितना ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा बिल्डिंग है दोस्तों, ये जहाँ कैदी लोग रहता था इसे सेकेंड फ्लोर हम लोग कह सकते हैं। दो फ्लोर का ये बिल्डिंग है। ये देखिए लॉकअप है, उसके बाहर सब उसके बारे में, जेल का इतिहास, जेल कब बना, कैसे बना, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है बाहर में। जनजाति विद्रोह, यही लॉकअप है, इसी में पहले कैदी लोग ये था एक छोटा सा ब्लॉग दोस्तों। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ते हैं।